नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने करियर के पीक पर एक्टर धर्मेंद्र से शादी की थी। एक्टर पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। हालांकि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर कपल ने शादी की और सालों से साथ थे। रामकमल मुखर्जी की लिखी गई बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में एक्ट्रेस ने अपनी सास सतवंत कौर से मुलाकात के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक्ट्रेस से मिलने आई थी जब वो अपने पहले बच्चे यानी एक्ट्रेस ईशा देओल को जन्म देने वाली थी। मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए हेमा ने बताया कि सतवंत परिवार में किसी को बताए बिना उनसे मिलने आई थी। हेमा ने बताया, धर्म जी की माँ सतवंत कौर बेहद दयालु थी। मुझे याद है कि जब मैं ईशा को जन्म देने वाली थी तब वो एक बार मुझसे मिलने जुहू के एक डबिंग स्टूडियो आई थी। उन्होंने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा खुश रहो हमेशा, मुझे खुशी है कि वे मुझसे खुश थी। बायोग्राफी में एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र के पिता केवल किशन सिंह देओल के बारे में भी खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि केवल किशन सिंह उनसे और उनके परिवार से बहुत प्यार करते थे। पुराने पलों को याद करते हुए एक्ट्रेस ने उस वक्त को भी याद किया जब उनके ससुर हेमा मालिनी के पिता और भाई से मिलते थे तो वो उनसे कुश्ती करते थे और हारने पर उन्हें घी और मक्खन खाने की सलाह देते थे। एक्ट्रेस ने किताब में जिक्र किया, वो मेरे पास आते और चाय के लिए मेरे पिता या भाई से मिलते थे। हाथ मिलाने के बजाय वो उनसे पंजा लड़ाते थे। उन्हें हराने के बाद मजाक में कहते थे, तुम लोग घी मक्खन लस्सी खाओ, इडली और सांभर से ताकत नहीं आती है। वह धर्मेंद्र के पिता बहुत खुश मिजाज इंसान थे। किताब में हेमा ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है। एक्ट्रेस ने बताया वो प्रकाश कौर से सोशल गैदरिंग में मिली थी। हालांकि शादी के बाद हेमा ने उनके पहले से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। हेमा ने अपनी किताब में लिखा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरे बेटियों के लिए जो कुछ भी किया मैं उससे खुश हूँ। उन्होंने एक पिता होने का फर्ज निभाया है जैसे कोई भी पिता निभाता है, मैं इससे खुश हूँ। हेमा ने अपनी बुक में लिखा, आज मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। मैं अपनी गरिमा बनाए रखने में सक्षम हूँ क्योंकि मैंने अपना जीवन कला और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया।